देखिए बच्चे, सर्किट डायग्राम्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज किए जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे पहले है एन इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम एक ही सेल की बात करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जब हम सर्किट डायग्राम देखेंगे तो वो इस तरीके से होगी बच्चे। जो हमारा ये लॉन्गर टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्टर वन को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन सेल को हम दो तीन फॉर्मेशन में, मतलब अगर हम एक सेल के साथ एक और सेल कंबाइन कर दें, एक और सेल कंबाइन कर दें, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बना दें, तो वो एक बैटरी बन जाती है। यहाँ पर बैटरी की फॉर्मेशन भी दिखाई हुई है बच्चे। उसके बाद प्लग की और स्विच ओपन, अगर हम ओपन स्विच की बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब इस जो ओपन ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर कोई भी डॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हम इसी स्विच के अंदर डॉट लगा देंगे बच्चे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा और इसको हम बोल देते हैं प्लग की और स्विच क्लोज, ठीक है। उसके बाद आती है वायर ज्वाइंट, जब किसी भी वायर को दूसरे वायर के साथ ज्वाइंट किया जाता है तो उसमें डॉटेड फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जब दो वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं बिना ज्वाइंट हुए तो उनकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है सर्किट डायग्राम के अंदर। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑलरेडी नो, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टर की अगर हम बात करें तो उसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है, और अगर इसी रेजिस्टर के ऊपर हम एक एरो फॉर्म कर दें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट बन जाता है बच्चे। एमीटर की फॉर्मेशन, जो एमीटर होता है इसी फॉर्मेशन में कंबाइंड होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, ठीक है। उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। सेम वोल्टमीटर, वोल्टमीटर भी इसी तरीके से होता है। वोल्टमीटर यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और एमीटर यूज किया जाता है कि कितना करंट पास ऑन हो रहा है उस पर्टिकुलर सर्किट से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो टाइप के सर्किट बनते हैं बच्चे रेजिस्टर्स के बेसिस पे। सीरीज सर्किट होता है, एक होता है पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको एक सीरीज में ही कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है, पहले एक यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की गई है, क्लोज स्विच है, एमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो यहाँ से करंट भी फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास रेजिस्टर है R1, R2, R3। अब अलग अलग रेजिस्टर्स का जो वोल्टेज होगा वो भी अलग अलग ही होगा, V1, V2, V3। करंट पास कर रहा है और यहाँ से करंट की फॉर्मेशन हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करें बच्चे, पैरेलल सर्किट किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। वहां पर भी सेम रहता है, बैटरी होगी, वहां पर भी क्रॉस स्विच होगा, एमीटर होगा, करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोर्शन है इसका, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेजिस्टर्स को पैरेलल फॉर्मेशन में यहाँ पर कंबाइन किया जाता है, अलग अलग करंट पास होता है। वहां पर क्या था, करंट सेम था, यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 फर्स्ट रेजिस्टर के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3, ठीक है। फिर वही वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल उसको पास ऑन किया जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सर्किट की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें पैरेलल सर्किट में, ठीक है बच्चे। बच्चे सीरीज सर्किट कहाँ यूज होता है, यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट वाइल कनेक्टिंग फ्यूजेस, जो फ्यूज कनेक्ट किए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है, एंड सर्किट ब्रेकर्स इन सीरीज विद द कनेक्टेड अप्लायंसेस, ठीक है। उसके बाद जो पैरेलल सर्किट होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन, जो हमारे घर की इंस्टॉलेशन होती है वायरिंग की, वो पैरेलल सर्किट की फॉर्मेशन में होती है।